यदि अशोक गहलोत की सरकार नहीं गिरी तो सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? बसपा के विधायकों के हटने के बाद भी फ्लोर पर बहुमत गहलोत के साथ नजर आ रहा है। ये बात अलग है कि फिर भी गहलोत को अल्पमत की सरकार चलानी पड़ेगी। 14 अगस्त से पहले पायलट ग्रुप के 19 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। राजस्थान में हाईकोर्ट ने यदि बसपा के 6 विधायकों को वोट डालने पर रोक लगा दी तो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधायकों का बहुमत नजर आ रहा है। इसलिए सवाल यह उठता है कि यदि सरकार नहीं गिरी तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? मौजूदा समय में कांग्रेस के 107 विधायक हैं। इनमें से यदि पायलट गुट के 19 और बसपा से आए 6 विधायकों को हटा भी दिया जाए तो कांग्रेस विधायकों के पास संख्या होती है 82। सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में 10 निर्दलीय, 2 BTP तथा 1-1 विधायक मकपा और RLD का बैठा है। इन 14 विधायकों के वोट मिलने पर विधानसभा में फ्लोर पर सरकार के साथ 96 विधायकों का समर्थन होगा। आंकड़े के इस खेल में ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सचिन पायलट गुट के 19 कांग्रेसी विधायक किसी भी स्थिति में अपना वोट कांग्रेस के खिलाफ नहीं दे सकते। यदि बहुमत परीक्षण के समय पायलट गुट के 19 विधायक विधानसभा में उपस्थित रहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देना होगा। यदि विधानसभा में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो विधायक की जाएगी, साथ ही भविष्य में चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में पायलट गुट के 19 विधायक 14 अगस्त से पहले अपना इस्तीफा दे सकते हैं ताकि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ जाए। इस्तीफा देने से विधायक विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं, यानी इस्तीफा देने पर ये विधायक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित नहीं होंगे। यदि गहलोत सरकार 14 अगस्त को बहुमत परीक्षण का प्रस्ताव रखती है तो उनके पास 96 विधायक होंगे, जबकि विरोध में भाजपा के 72, 3 निर्दलीय तथा 3 RLP के विधायक होंगे। ऐसे में सरकार के विरोध में पड़ेंगे 78 वोट। इन स्थितियों में 2 सदस्यीय विधानसभा में गहलोत सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी, लेकिन फिर सीएम गहलोत को अल्पमत की सरकार चलानी पड़ेगी। पूर्व में 100 विधायक होने की वजह से गहलोत ने बसपा के सभी 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवा लिया था। गहलोत जानते हैं कि किन परिस्थितियों में बसपा विधायकों को शामिल करवाया गया। अब गहलोत को बहुमत से 18 विधायकों की कमी के कारण सरकार चलानी पड़ेगी। ऐसे में सरकार कितने दिन चलेगी ये आने वाले दिनों को ही पता चलेगा। गहलोत के पास अभी जो 100 विधायक हैं उन्हें ही बड़ी मुश्किल से संभाल कर रखा हुआ है। 10 जुलाई से 31 जुलाई तक इन विधायकों को जयपुर के होटल फेयरमोंट में रखा गया। अब ये विधायक जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में रह रहे हैं। सूत्रों की माने तो गहलोत के भरोसे अधिकारी सभी विधायकों पर कड़ी नजरें रखे हुए हैं। कोई विधायक सचिन पायलट से संपर्क नहीं कर सके, इसके लिए विधायकों के मोबाइलों पर भी नजर रखी जा रही है। यानी किसी भी विधायक पर अशोक गहलोत को भरोसा नहीं है। गहलोत 14 अगस्त को भले ही बहुमत साबित कर दें, लेकिन आगे सरकार चलाना मुश्किल होगा। उधर इस्तीफे के बाद सचिन पायलट प्रदेश में तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। पायलट के मोर्चे को भाजपा का समर्थन भी मिलेगा। हो सकता है कि उपचुनाव में पायलट के मोर्चे के उम्मीदवारों के सामने भाजपा अपना उम्मीदवार ही खड़ा ना करे, ताकि इस्तीफा देने वाले सभी 19 विधायक वापस चुनाव जीत सकें। पायलट भी मानते हैं कि अब कांग्रेस में पहले ऐसा सम्मान नहीं होगा। ऐसे में पायलट की रणनीति कांग्रेस के विरोध में ही होगी। इसमें दो राय नहीं कि पायलट का जाति आधार है। गहलोत माने या ना माने कि 7 वर्ष पहले पायलट ने जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद संभाला था तब कांग्रेस के मात्र 21 विधायक थे। दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 विधायक चुने गए। पायलट की जाति आधार का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा का एक भी गुर्जर उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में गुर्जर मतदाताओं ने एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिए। चुनाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विरोधी हवा से भी कांग्रेस को बहुमत दिलाने में मदद की। यह थी हमारी राजस्थान संवाद की राजस्थान की राजनीति पर एक खास रिपोर्ट। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।